हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बनाने वाले हैं सैंडविच, लेकिन ये कोई आम सैंडविच नहीं है मेरे दोस्त। क्रिस्पी करारी, करारी का भी बाप होगा ये। और इसमें हम अंडा डालने वाले हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्षमा कीजिएगा, इसमें हम अंडा डालने ही वाले हैं। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें मिक्स करके हम ये सैंडविच बनाने वाले हैं, जो को काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए बनाते हैं। ये तीन आलू हैं, बॉयल आलू हैं, मीडियम साइज़ के ही आप तीन आलू ले लीजिएगा। ये छोटे बड़े हैं, लेकिन आप मीडियम साइज़ के ले लीजिएगा। इसे आपको घिस लेना है, मतलब कद्दूकस कर लीजिएगा, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। और ये तीन बॉयल अंडे हैं, मतलब अंडे बॉयल अंडे हैं यार, मेरी कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। इसे भी आपको है ना ऐसा घिस लेना है, कद्दूकस कर लेना है, इसमें तो वैसे भी गुठलियाँ नहीं होती। जोकिंग। ये कुछ सब्जियां हैं, नाम भर की सब्जियां हैं। एक प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च और 3 चम्मच के जितना हरा धनिया, ये इसमें हमने डाल दिया, चॉप किए हुए हैं सारे। 1/2 चम्मच के जितना मैंने इसमें डाल दिया है कुटी हुई काली मिर्च। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। इसमें हम कोई मतलब मसालों का तामझाम नहीं रखने वाले हैं। सिंपल सा सैंडविच होगा, मज़ेदार होगा, टेस्टी होगा, क्रिस्पी होगा। बस अब इन सारी चीज़ों को एक साथ आपको मिला लेना है और फ्लोर साफ़ कर लेना है। ये मैंने ब्रेड ले लिए हैं, 2 ब्रेड है, तो अब हम इसमें से गोला उठाएंगे। ऐसा बहुत सारा बैटर, मतलब जो ये मिक्सचर है उठाना है आपको, जितना हो सके इसमें आ सके। और एक ब्रेड इसके ऊपर डाल के से फ्लिप करके प्रेस कर देना है। ऐसे ही आपको 4 से 5 पीसेस इतने जो आलू और अंडे का मिक्सचर है उसमें हो जाएगा। अब हम एक बैटर बना लेंगे। तो 5 चम्मच मैदा लिया है और 6 से 7 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर लेना है। नमक डाल देना है आपको इसमें स्वाद अनुसार, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और सिंपल सा इसे आपको फेंट लेना है, इसमें कोई दूसरी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा घोल होना चाहिए, आप देख सकते हैं है ना, एकदम थोड़ा सा पतला है। तो घोल भी हमारा तैयार हो चुका है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये साइड में ये है ब्रेड क्रम्स। ये मैंने पहले ही ब्रेड को सुखा के ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड को भी मिक्सर जार में थोड़ा पीस सकते हैं। तो अब ये सैंडविच को इसमें अच्छी तरह डीप करना है। ज़्यादा देर इस बैटर में आपको नहीं छोड़ना है, वरना सैंडविचेस टूट जाएंगे, ठीक है। तो बस डीप कर लेना अच्छी तरह, और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करना है। ऊपर आगे पीछे तो करना ही है, ये देखिए साइड से भी आपको देखिए ऐसे थपथपा के, मतलब इसके अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर आपको कर लेना है, मतलब श्योरिटी आपको कर लेनी है। और ये देखिए अच्छी तरह कोट हो गई है। ऐसे आपको सारे सैंडविचेस कोट कर लेने हैं। फ्लेम आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। ये मैंने पैन लिया है, पैन में आपको डीप फ्राई करना है। मेरा पैन छोटा है तो मैंने एक ही पीसेस डाला है, इसमें 2 आ सकते हैं, बट अभी मैं 2 डाल दूंगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा, तो मैंने एक ही डाला है। आप देख लो, उसके बाद मैं 2-2 करके डालूंगा, है ना, आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ मैं। तो बस ऐसे ही, मतलब आपको फ्लिप कर देना है 2 से 3 मिनट के बाद, और मीडियम लो ही रखिएगा, फ्लेम हाई मत रखिएगा वरना ये जल जाएगा। और सेम फिर से आपको 2 से 3 मिनट तक आपको सिंपल आपको इसको क्रिस्प होने तक डीप फ्राई करना है। आप जैसे ही ये चिमटे से पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी ये क्रिस्प हो चुकी है। अब आपको सिंपली इसको इसमें से छान के निकाल लेना है किसी टिश्यू पेपर पे। और ये देखिए है ना, मतलब टन टना टन टन बज रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल रेसिपी है बट खाने में बहुत लाजवाब है। मेरे घर में सबने ठूसा है, आप लोग भी ज़रूर ठूसिएगा, मतलब खा लीजिएगा, सॉरी ठूसिएगा। तो जरूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये क्रिस्प करारी सैंडविच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी के साथ। थैंक